शोभाज किचनेट में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं लोगों की फरमाइश पे ऑरेंज केक बनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑरेंज केक बनाने के लिए मैंने ये माल्टा लिया है, क्योंकि ऑरेंज अभी इस सीज़न में मिल नहीं रहा। माल्टा इससे भी बहुत अच्छा केक बनेगा। ये मैदा, पीसी हुई चीनी, ये मैंने एक माल्टे का जूस निकाल के रखा है, एक कटोरी दही, एक कटोरी रिफाइंड ऑयल, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो चलिए अब हम आपको बनाने की विधि बताते हैं। ये माल्टा है, इसे पहले हम लोग ग्रेट करेंगे, इसके छिलके को ग्रेट करेंगे, क्योंकि ये छिलका भी जब केक में डालेंगे तो बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा। ये देखिए, माल्टा के छिलके को मैंने ग्रेट करके रखा है, इसे लास्ट में डालेंगे। अभी मैंने एक ही साइज़ के कटोरी लिए हैं, आपके पास कोई भी कटोरी हो, एक ही तरह की कटोरी से आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के बोल से मैंने भर के चीनी लिया है। अब इसमें हम एक बोल दही डालेंगे, दही फ्रेश होनी चाहिए। अब इसे थोड़ा बीट करेंगे। इसे बीट थोड़ा देर बीट करने के बाद फिर इसमें एक कटोरी रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं, बट रिफाइंड ऑयल से केक बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। इसे फिर करीब एक मिनट बीट करके फिर इसमें धीरे धीरे मैदा मिलाएंगे। मैदा भी हम इस कटोरी से ही मेज़र करेंगे, इस कटोरी से 2.5 कप मैदा। ये देखिए 1 2.5 कप। इसमें 1 स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, आप कोई भी टी स्पून यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये मेजरिंग स्पून है। 1 स्पून बेकिंग सोडा और 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे। ये देखिए, अभी बैटर काफ़ी गाढ़ा है, इसमें मैं ऑरेंज जूस मिलाऊंगी। ऑरेंज जूस भी उसी बॉल से, एक बॉल मैंने लिया है। ये देखिए, बैटर अच्छी तरह से बीट हो चुका है। इसके बैटर को देखने का तरीका है, जब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हैं, ये रिबन जैसा होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये इस तरह से रिबन के फॉर्म में अगर गिरता है तो मतलब बैटर अच्छी तरह से फूट चुका है। अब इसमें ग्रेट किया हुआ ऑरेंज का छिलका मिलाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा केक में। बैटर तैयार है, अब हमें केक टिन तैयार करना है। केक टिन तैयार करने के लिए इसकी डस्टिंग करेंगे, इसमें अच्छी तरह से ऑयल लगा के। चारों तरफ लग चुका है, अब इसमें थोड़ा मैदा स्प्रिंकल करके इस तरह से करके
केक टिन तैयार हो गया। अब इसमें धीरे धीरे बैटर को डालेंगे। बैटर को केक टिन में डालेंगे। डालने के बाद इसे प्री हीटेड ओवन में बेक करने के लिए डालेंगे। अब इस केक को मैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीटेड ओवन में डालेंगे। जब केक थोड़ा सा राइस हो जाए तो टेम्परेचर को 150 डिग्री पे करके करीब 45 मिनट्स तक इसे बेक करेंगे। ये देखिए केक बेक हो चुका है। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। अब इसे हम एक ट्रे में निकाल देंगे। केक टिन को किसी ट्रे पे पलट के उसको पीछे की साइड से ऐसे कैप करने से बड़े आराम से केक निकल जाएगा। ये देखिए केक तैयार है। केक का स्पॉन्जीनेस देखिए कितना स्पॉन्जी है। इसे अभी मैं काट कर दिखाऊंगी। ये देखिए केक कितना स्पॉन्जी बना है और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।